प्रशासन ने, बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था उससे समाजवादी पार्टी नहीं हारी, क्योंकि ऑडियो वायरल हुआ था बीजेपी के किसी नेता का, क्या वो ऑडियो फर्जी था क्या? ये बात आप स्वीकार कर लेंगे कि वो ऑडियो फर्जी था? वो ऑडियो असली था और वो ऑडियो हम लोगों के पास भी है। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी उसकी फॉरेंसिक बाकायदा जांच होकर के ये पता किया जाएगा कि जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना हस्तक्षेप था। ये देश की लड़ाई है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी हारे। एक सामान्य पत्रकार ने केवल ये पूछ लिया विकास और योजनाओं को लेकर के जो वादे किए थे पूरे किए कि नहीं किए, उस पत्रकार को पता लगा जेल भेज दिया। तो मौलाना तौफीक रजा ने जो खालिस्तान समर्थन की बात की है कि उनका होना चाहिए, इस बहस में मत जाइए। मैंने आपसे कहा हमारा आपका सवाल ये है कि चरम सीमा पर महंगाई वो कम होगी कि नहीं होगी। अभी तो आप ये पूछ रहे हो, फिर आप डाकू सुल्ताना में सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो गठबंधन में रहे हैं साथी उन साथियों को लेके चले साथ। और आप खुद बताइए, क्या प्रशासन ने, बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था उससे समाजवादी पार्टी नहीं हारी? क्या नई मोलियां खड़े हमारे जीते हुए को हरा दिया? कितने वोट से हारे? 203 वोट। जो जीते हुए थे वो हार गए। और बाद में आपको पता होगा ऑडियो वायरल हुआ था बीजेपी के किसी नेता का, क्या वो ऑडियो फर्जी था क्या? ये बात आप स्वीकार कर लेंगे कि वो ऑडियो फर्जी था? वो ऑडियो असली था और वो ऑडियो हम लोगों के पास भी है। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी उसकी फॉरेंसिक बाकायदा जांच होकर के ये पता किया जाएगा कि जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना हस्तक्षेप था। लड़ाई किसी बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, ये देश की लड़ाई है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे हिटलर शाही या हिटलर की हुकूमत भी लोकसभा के हिसाब से ही घुसी थी और वो फिर निकली नहीं ताकत। इसलिए कहीं न कहीं जनता को सावधान रहना पड़ेगा और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इस बार सबको मतदान करना पड़ेगा। ये जिला वो है जिसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों लोकसभा के शासन जिताए और उस समय यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में जो फैसला हुआ यहाँ के वोटर्स ने माना। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इस जिले से और जो दोनों लोकसभाओं के जिले जुड़ते हैं दोनों लोकसभा जीत गए। तीनों सीटें भैया, मुरादाबाद तीन भी मान लें हम, लेकिन दो मुख्य मान लें हम। और जिस जिले में मैं गया था सीतापुर, जहां से बात मैंने कही, इसलिए कहा कि जो वहां के हमारी पार्टी के नेता और बहुत सारे समीक्षा के बाद ये बात निकल करके आई कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी हारे।